IPR लॉ लेक्चर्स के ऊपर ये हमारा लेक्चर 5 है, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिन्हें एक इन्वेंटर को, एक क्रिएटर को फॉलो करना चाहिए किसी भी हाल में अगर वो अपने इन्वेंशन या अपने प्रोडक्ट के ऊपर पेटेंट लेना चाहता है गवर्नमेंट से, राइट। तो अपने पिछले वीडियोस में हमने पेटेंट क्या है उसे एकदम डिटेल में नोट्स के साथ समझा था। आज के इस वीडियो में हम उन सभी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें एक इन्वेंटर को फुलफिल करना होता है अगर वो अपने इन्वेंशन के ऊपर पेटेंट पाना चाहता है गवर्नमेंट से। तो ठीक है, तो लिख लो रिक्वायरमेंट्स। Requirements which are needed to be fulfilled. Requirements which are needed to be fulfilled to get your invention patented. देखो, अगर हम कुछ मेजर रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करें जिन्हें एक इन्वेंटर को हर हाल में फुलफिल करना होगा, तो सबसे पहला है नोवेल्टी। एक नयापन होना चाहिए। दूसरा, इन्वेंटिवनेस। आपका जो क्रिएशन है वो एक इन्वेंशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, राइट। तो इन्वेंटिवनेस। तीसरा, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड यूजेस। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड यूजफुलनेस। पेटेंटेबिलिटी। पेटेंटेबिलिटी। और लास्ट है डिस्क्लोजर। ठीक है, तो ये कुछ मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं जिन्हें इन्वेंटर को फॉलो करना होता है। इन्वेंटर मस्ट हैव टू फुलफिल ऑल दीज बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू गेट हिज इन्वेंशन पेटेंटेड बाय द गवर्नमेंट। चलिए एक एक करके इसे हम समझते हैं। सबसे पहले है नोवेल्टी। देखो, आपका जो इन्वेंशन है इट मस्ट बी न्यू, ये नया होना चाहिए, एंड मस्ट नॉट बी ऑब्वियस टू द पब्लिक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और आपने उसी एग्जिस्टिंग आर्टिकल में कुछ मॉडिफिकेशंस करके आप ये क्लेम कर रहे हो कि ये इन्वेंशन मेरा है, तो इस पर आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। यानी जो भी आर्टिकल आप क्रिएट करोगे वो एक नोवेल्टी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, वो नया होना चाहिए। इट मस्ट नॉट बी नन टू द पब्लिक, वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में नहीं होना चाहिए। दूसरा, इन्वेंटिवनेस। आपका जो आर्टिकल है वो एक इन्वेंशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। इट मीन्स कि वो एक नया क्रिएशन होना चाहिए। इट मस्ट बी क्रिएशन ऑफ अ ब्रांड, अ न्यू प्रोडक्ट और डिवाइस। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे इन्वेंटिवनेस होना चाहिए। इट मीन्स योर आर्टिकल मस्ट रिप्रेजेंट एन इन्वेंशन। हमने जाना था कि इन्वेंशन और इनोवेशन के बीच एक मेजर डिफरेंस है, और वो ये है कि इनोवेशन का मतलब होता है कि जब हम एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स में, एग्जिस्टिंग थिंग्स में जो ऑलरेडी नन है टू द पब्लिक, उसमें जब हम कोई वेरिएशंस करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, तो वो इनोवेशन कहलाता है। लेकिन इन्वेंटिवनेस या इन्वेंशन का मतलब होता है एक ऐसा चीज़ जो एकदम नोवेल है, जो एकदम नया है और अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं था। ठीक है, तो नोवेल्टी। दूसरा, इन्वेंटिवनेस। इट मस्ट रिप्रेजेंट एन इन्वेंशन। तीसरा, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड यूजफुलनेस। देखो,
जो भी आर्टिकल आप इन्वेंट करोगे उसका इंडस्ट्रियल यूज होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए, आइदर इमीडिएट और इन फ्यूचर। या तो वो तुरंत उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो या आफ्टर सम टाइम इन फ्यूचर, राइट। तो जो भी आपका आर्टिकल है, जो भी आपका इन्वेंशन है, उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए, आइदर इमीडिएट और इन फ्यूचर। जैसे हमारा एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर हम करंट सिनारियों में देखें तो फिर है पेटेंटेबिलिटी। देखो, आप केवल उन्हीं आर्टिकल्स को पेटेंट करा सकते हो, उन्हीं सब्जेक्ट मैटर्स पे आपका आइटम पेटेंट किया जाएगा या आपको गवर्नमेंट पेटेंट प्रोवाइड करेगा जो कि पेटेंटेबल आइटम्स होंगे। हमने जाना कि पेटेंट एक्ट 1970 का जो सेक्शन 3 है वो बेसिकली उन आइटम्स के बारे में बात करता है जो कि नॉन पेटेंटेबल आइटम्स हैं। तो अगर आपका जो इन्वेंशन है वो नॉन पेटेंटेबल आइटम्स में आता है तो उस पर आपको पेटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी हम केवल उन्हीं सब्जेक्ट मैटर्स पे पेटेंट ले सकते हैं जो कि क्या है, पेटेंटेबल आइटम्स हैं। जैसे हमारा जो इंडियन पेटेंट एक्ट था 1970, इट डिड नॉट अलाउड द प्रोडक्ट पेटेंट इन फार्मास्यूटिकल फूड्स एग्रोकेमिकल्स। तो हमारा जो पेटेंट एक्ट 1970 वाला था ओरिजिनल, उसमें हम प्रोडक्ट पेटेंट नहीं ले सकते थे फार्मास्यूटिकल फूड्स में, एग्रोकेमिकल्स में। यानी एग्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल फूड में हम प्रोडक्ट पेटेंट नहीं ले सकते थे, लेकिन इस पर्टिकुलर एक्ट में इन द ईयर 1999 में अमेंडमेंट किया गया, कुछ संशोधन किया गया। अच्छा, इस अमेंडमेंट के बाद हम प्रोडक्ट पेटेंट ले सकते थे इन एरियाज में भी, जैसे फार्मास्यूटिकल फूड्स, एग्रोकेमिकल्स, लेकिन कुछ मेडिसिनल ड्रग्स थे जिनमें हमें प्रोडक्ट पेटेंट नहीं मिल सकता है, ठीक है। फिर कहता है डिस्क्लोजर, जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपको मिलते हैं, जो भी एक्सक्लूसिव राइट्स आपको मिलते हैं आपके इन्वेंशन के रिगार्ड में एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सपोज 15 इयर्स, 20 इयर्स, उस पीरियड के एक्सपायरी के बाद आपको आपके प्रोडक्ट का क्या प्रोसेस था जिसका यूज़ करके आपने उस प्रोडक्ट को तैयार किया था, उसे डिस्क्लोज करना होगा। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ योर इन्वेंशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड, ठीक है, जिसमें आप, जिस पीरियड में आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के आपके पास मोनोपोली राइट्स था, ठीक है। तो डिस्क्लोजर, इन्वेंटर इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब हिज इन्वेंशन इन सफिशियंट डिटेल्स, ताकि एक पर्सन जो कि नॉर्मल स्किल का है वो भी उसे प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। तो आइए अब इतना हम लिख लेते हैं। सबसे पहले है नोवेल्टी, तो इसमें आप लिखो इन्वेंशन मस्ट बी न्यू एंड शुड नॉट बी ऑब्वियस टू द पब्लिक। नोवेल्टी, तो आई होप कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिन्हें पेटेंटी को या पेटेंट होल्डर को फॉलो करना है अगर वो अपने इन्वेंशन को पेटेंट कराना चाहता है तो, ठीक है। सबसे पहले हमारा नोवेल्टी, इन्वेंशन मस्ट बी न्यू, इसमें आप लिखोगे कि इन्वेंशन या आर्टिकल मस्ट बी न्यू एंड मस्ट नॉट बी ऑब्वियस टू द पब्लिक। दूसरा, इन्वेंटिवनेस योर आर्टिकल
योर आर्टिकल मस्ट रिप्रेजेंट एन इन्वेंशन. योर आर्टिकल मस्ट रिप्रेजेंट एन इन्वेंशन. इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड यूजफुलनेस. इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड यूजफुलनेस. इसमें आप लिखोगे कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ पेटेंट मस्ट हैव इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. Subject matter of patent must have industrial application. यानी योर इन्वेंशन मस्ट बी यूजफुल टू द सोसाइटी और द नेशन. फिर फोर्थ, चलिए फोर्थ लिख लो, पेटेंटेबिलिटी. यानी आप केवल उन्हीं आर्टिकल्स का पेटेंट करा सकते हो जो अलाउड हैं पेटेंट एक्ट 1970 में. जैसे सेक्शन 3 बेसिकली उन आइटम्स के बारे में बात करता है जिनके ऊपर आपको पेटेंट नहीं मिल सकता है. सेक्शन 4 कहता है इन्वेंशंस रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी इज नॉन पेटेंटेबल. तो अगर आप कोई इन्वेंशन करते हो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड तो उस पर आप पेटेंट क्लेम नहीं कर सकते. ठीक है, चलिए. तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है और आप साथ साथ में नोट्स भी बना रहे होंगे. IPR के तरह ही नोट्स के साथ ADR के ऊपर भी वीडियोस बनाया गया है. वन शॉर्ट वीडियो है जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड है. अच्छा, अगर आप उन दोनों वीडियोस को देखते हो तो ADR का कोई सा भी पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, हार्ड, आप किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के हो, अगर आप ADR का पेपर देते हो उस वीडियो को देखने के बाद तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ले जाओगे. ठीक है, चलिए. तो मेरे वीडियोस अगर आपको किसी भी मैनर में हेल्प करते हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच ताकि इसका बेनिफिट और भी लोगों तक पहुँचे. तो पेटेंटेबिलिटी, अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो लॉ सब्जेक्ट्स को लेकर के आपको किसी भी पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी. ठीक है, चलिए. तो पेटेंटेबिलिटी, सब्जेक्ट मैटर ऑफ पेटेंट मस्ट बी पेटेंटेबल Under existing law. And its current interpretation. जैसे Indian Patent Act 1970, आप लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ. जैसे इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 डिड नॉट अलाउड प्रोडक्ट पेटेंट इन फार्मास्यूटिकल, फूड्स, एग्रोकेमिकल्स, बट दिस एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड इन 1999 एंड न्यू एक्ट आफ्टर अमेंडमेंट अलाउज प्रोडक्ट पेटेंट
एक्सेप्ट फॉर सम स्पेसिफाइड मेडिसिनल ड्रग्स, कुछ स्पेसिफाइड मेडिसिनल ड्रग्स को छोड़ करके हमें प्रोडक्ट पेटेंट मिल सकता है फार्मास्यूटिकल फूड्स और एग्रोकेमिकल्स में भी, ठीक है। चलिए फिर कहता है डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड 15 ईयर्स और 20 ईयर्स जो भी दिया गया था पेटेंटी को या पेटेंट होल्डर को, कि उस स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में अपने इन्वेंशन के रिगार्ड में सभी एक्सक्लूसिव राइट्स केवल और केवल पेटेंटी को ही बिलोंग करेंगे, जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। उस पीरियड के एक्सपायरी होने के बाद पेटेंटी को अपने इन्वेंशन को डिस्क्लोज करना होता है कि किस प्रोसेस को अडॉप्ट करके उसने इस इन्वेंशन को इजाद किया, ताकि एक नॉर्मल स्किल वाला पर्सन भी क्या करे, उसे रिप्रोड्यूस कर सके और सोसाइटी को बेनिफिट। इन्वेंटर इज रिक्वायर्ड, लिख लो, इन्वेंटर इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज हिज इन्वेंशन, टू डिस्क्लोज हिज इन्वेंशन, इन्वेंटर इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज हिज इन्वेंशन सो दैट इन डिटेल, सो दैट नॉर्मल अ पर्सन ऑफ नॉर्मल स्किल इज एबल टू रिप्रोड्यूस इट फॉर सोशल बेनिफिट्स, ठीक है। चलो तो ये था वो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स जिन्हें एक क्रिएटर को, एक इन्वेंटर को फॉलो करना होता है अगर वो अपने आर्टिकल को पेटेंट कराना चाहता है गवर्नमेंट से, तो ठीक है। तो आई होप कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने नोट्स बना लिया होगा।